शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बचाओ 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 सीधी तरह पैसा दे दे वरना मार डालूंगा मैं तुझे। परवाह नहीं, तुम लोग चाहे मेरी जान ले लो लेकिन मैं पैसा हर किसी दूंगा। मैं भोंक दूंगा। तू भोंकेगा तो मैं चिल्लाऊंगा। तू चिल्लाता जाएगा मैं भोंकता जाऊंगा। तू भोंकते रहेगा तो मैं काट खाऊंगा। बहुत अच्छा पिट रहे दोनों, जाओ तुम भी पिटो, जाओ जाओ। ये लोग क्यों मार रहे थे? कोई दुश्मनी है? अरे कोई दुश्मनी नहीं है, दरअसल मैं सुबह सुबह मंडी में गया, अपने सारे काम खत्म किए, अपनी रकम रुमाल में बांधी और अंटी में छुपाई और अपने रास्ते चल पड़ा। जब मैं शिव मंदिर पहुंचा तो पीछे से किसी ने कसकर मेरी गर्दन में मारा और तेज धार वाली छुरी निकाल कर मुझे कहने लगा, अपनी सारी रकम निकाल कर मुझे दे दे नहीं तो भोंक के रख दूंगा। तब मेरे भैंसे वाले दिमाग में आया कि ये आदमी चोर उचक्के हैं और मेरी रकम लूटना चाहते हैं। कितनी रकम है आपके पास? 9 रुपए 12 आने। क्या 9 रुपए 12 आने? हाँ क्यों? कमाल के इंसान है आप, 9 रुपए 12 आने के लिए आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये 9 रुपए 12 आने कीमती हैं या आपकी जान? 9 रुपए 12 आने कीमती है क्योंकि शरीर में जो जान है वो मेरी है लेकिन अंटी में जो पैसे हैं वो अमानत किसी और की है। हाँ बाबूजी, मेरे पड़ोसी किशन ने मुझे अपनी मुर्गी दी और बोला कि मंडी में बेचा, अब अगर रकम लूट जाती तो किशन के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती? शंकर अपनी जान गवा सकता लेकिन किसी के सामने अपना ईमान नहीं गवा सकता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? धामपुर का। और आप? गंगापुर का। गंगापुर के? सुना है गंगापुर गांव के प्रधान रवि बाबू बहुत ही नेक और अच्छे इंसान है, आप उन्हें जानते? जी वो मैं ही हूँ। आप है? अरे बाप रे बाप, आज तक सिर्फ सुना था कि भगवान इंसान के दिल की तमन्ना कभी ना कभी जरूर पूरी करता है, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। आपसे मिलने का बड़ा दिल था बाबूजी, आज आपके दर्शन हो गए। चलिए मैं आपको गाड़ी पे छोड़ देता हूँ। वो सामने केले का झाड़ है ना, वहां आगे को रोक दीजिए, आप घर चलिए। आज नहीं, देर हो गई, फिर किसी दिन आऊंगा। जरूर आइएगा। जरूर, वादा? वादा। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा जी। अरे बाबूजी, अगर आपको मंडी में अच्छे जानवर खरीदने या बेचने हो तो शंकर को जरूर याद कीजिएगा, आदमी के बीच रहकर मुझे जानवरों की बहुत अच्छी पहचान हो गई है। तो एक काम कीजिए, एक अच्छी सी दूध वाली गाय दिलवा दीजिए। ठीक है, आप 2 दिन बाद आ जाइए, मैं आपके लिए अच्छी सी गाय ढूंढ कर रखता हूँ। अच्छा बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते। माँ, 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 मेरा रिजल्ट आ गया, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई। मेरी बच्ची, भगवान ने मेरी प्रार्थना, अब सारे गांव को मैं मिठाई खिलाऊंगी। क्या बात है भाभी जी, किस खुशी में सारे गांव को मिठाई खिलाई जा रही है? पिताजी मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई। अच्छा, दिखा दिखा दिखा। अरे वाह, आखिर बेटी किसकी है? जब तू अपने माँ के पेट में थी ना
तभी मैंने अपनी सारी बुद्धि निचोड़ कर तेरे भेजे में टपका दी थी। शायद इसीलिए आपकी सारी बुद्धि गायब हो गई है। फिर से शुरू हो गई। अपना काम करना ठीक से, नहीं तो काट के रख दूंगा तुझे। हर वक्त मेरा अपमान करती रहती है। अच्छा बाबा, पहले मेरी बात सुनो, फिर तुम लोग झगड़ा करते रहना। माँ, मैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करना चाहती हूँ। मुझसे क्या पूछती है? रवि से पूछ। रवि से? जिसने आज तक तेरी सारी पढ़ाई का खर्च उठाया है। अरे रवि से पूछने उछने की कोई जरूरत नहीं है, घर में मेरा हुक्म चलता है, उसका नहीं। और मैंने तुझे मास्टरनी बनाने के लिए इतना पढ़ाया क्या? अब घर संभालना सीख, अब तो तू बहू बनकर मेरे घर में आएगी। वाह भाभी जी वाह, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, और दो चार महीने जी लो। अरे सत्यानाश हो तेरा, दो चार महीने, 200 साल और जीऊंगी, और बहू के बच्चों को देखने के लिए जिंदा रहूंगी, समझा? और इसी महीने रवि से तेरी मंगनी कर दूंगी। मैं नहीं खोलने वाली। सुबह गए, दिन ढलने के बाद वापस आ रहे हैं, मेरा रत्ती भर भी ख्याल नहीं। वो गंगापुर का प्रधान मिल गया ना आपको? अरे वो प्रधान पैसे वाला होगा तो अपने घर का होगा, उसके सर पर क्या सोने के सींग उगे हुए? उसके खेतों में अनाज की जगह हीरे उगते हैं क्या, जो उसके लिए इतने बिछे जाते हो? जी सुनिए, मैं आपका बापू नहीं हूँ। जी किससे मिलना है आपको? जी शंकर जी से, उन्होंने मुझे आज बुलाया था। अच्छा आइए। धन्यवाद। बैठिए, बापू अभी आ जाएंगे। क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं ही हूँ गंगापुर का प्रधान रवि कुमार। जी जी वो मैं अभी बापू को बुलवाती हूँ। गंगवा, अरे ओ गंगवा, इधर आ, इधर आ। क्या है दीदी? वो मूछों वाले चाचा है ना, उनके यहाँ जा, वहाँ मेरे बापू होंगे, उनसे कहना कि गंगापुर के प्रधान आए हैं, जल्दी आइए। ठीक है? क्या कहेगा? धनपुर की गंगा आई है, जल्दी आइए। अरे गंगापुर के प्रधान, लीजिए। माफ कीजिए, मैंने बहुत कुछ गलत कह दिया आपको। अरे नहीं नहीं, सब कुछ सही कहा आपने, सिर्फ एक बात में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। बड़ा आया प्रधान के ही का, उसके सर पर सिंह है क्या? देखिए सिंह है। अरे बाबूजी आप, अरे आप जमीन पे क्या बैठ रहे हैं, ऊपर आइए। अरे जमीन का आदमी हूँ, जमीन पर ही अच्छा लगता हूँ। शंकर जी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सच्चाई से क्या शर्मिंदा होना, आप कब आए? बस कुछ ही देर हुई। माँ कसम बाबू जी, श्री कृष्ण जब सुदामा के घर पधारे तो जितनी खुशी सुदामा को हुई थी उतनी मुझे भी हो रही है। हाँ मैंने वो गाय का सौदा 1000 रुपए में तय कर लिया है, एक बार आप भी चलकर देख लीजिए। आपने देख लिया, काफी है। ये लीजिए, और ये क्या है? कमीशन। उठिए जी, उठिए। किशन जी जरा बताइए ने, आपने कभी ऐसी बातें करके सुदामा का दिल दुखाया था? जरा बताइए ने, ये मेरे दोस्त हैं, कमीशन देने चले हैं। अरे जाओ, हम आपसे बात नहीं करते। अच्छा बाबा माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसे गलती कभी नहीं हुई। ये देखिए पैसा रख दिया और कान पकड़ता हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाएंगे, पहली बार घर पे आए तो खाना वाना खा के जाओगे? नहीं, ना? नहीं, खाना, खाना नहीं खाओगे तो दोस्ती का घोर अपमान होगा। बस बापू क्या है? क्या बात है बेटी? बाबूजी आपने ने खाने पे क्यों रोक लिया? क्या मतलब, मेरे दोस्त हैं। लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है खाने को। कुछ भी नहीं है, सिर्फ चावल की कांजी है। सिर्फ चावल की कांजी है, मैंने तो खाने पर रोक लिया है। शंकर जी। हाँ जी बाबूजी। वो आपको बताना भूल गया था, आज मेरा उपवास है। उपवास? हाँ वो हाँ शंकर भगवान का उपवास है, और किसी दिन आऊंगा, ये खाना आप पे उधार। अरे खाना उधार रहा, चावल की कांजी तो पी सकते ना। लाओ बेटी। अरे नहीं नहीं, अरे उपवास में कांजी पीते हैं। लाओ 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 ना बेटी, बेटी लीजिए बाबूजी। अरे मुझे नहीं, बाबूजी को दो। बाबूजी बाबूजी वाह,
मजा आ गया। जिंदगी में हमने ऐसी चटनी कभी नहीं खाई। खाते खाते इंसान अपनी गलती से उंगलियां खा जाए और पता ना चले। ये नारियल, मिर्ची, धनिया, इनका मिश्रण तो कमाल है। जी, मैंने तो सिर्फ मिर्ची नमक पीसा है। ओ, फिर ये आपकी उंगलियों का कमाल होगा। बहुत अच्छा खाना बनाती है ये। बाबू जी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहिए। आपके यहाँ मेहनत मजदूरी करके दो वक्त की रोटी कमाने वाला एक अच्छा सा लड़का हो तो जरूर बताइएगा। चंदा के हाथ पीले कर लूँ तो फिर मैं भी गंगा नहा लूंगा। रामपुर से एक अच्छा रिश्ता आया था, पता नहीं से शादी करने से क्यों मना कर दिया। बापू, मैं तुम्हें छोड़कर इतनी दूर नहीं जाऊंगी। सुना आपने, मुझे छोड़कर दूसरे गांव तक नहीं जाएगी। बिल्कुल, और लोगों के तो रिश्तेदार होते हैं, मेरे बापू का कौन है? सिर्फ मैं। अगर मैं चली गई तो एक दिन मेरा आ जाएगा तुमसे। तुम ठीक तो कह रही है, अगर ये चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आप चिंता मत कीजिए, आज से चंदा के हाथ पीले कराने की जिम्मेदारी मेरी। नमस्ते। नमस्ते। आइए।